ये भागा दिखे कुछ चीज, यहाँ पर दिखे जंगली लिजर्ड दोस्तों। ये बंदर की रोटी खा रहे हैं। हे गाइज, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रमेश और मैं कर रहा हूँ सुबह की ब्लॉग की शुरुआत। सुबह 7:30 बजे और जंगल की ओर, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का जंगल का माहौल। दोस्तों काफ़ी बदल चुका है, और देखिए अभी सुबह 7:30 और काफ़ी चहचहाट हो रही है, लेकिन गर्मी उमस काफ़ी है, लेकिन जंगल में राहत है। पशु पक्षी चिड़ियाओं की काफ़ी कलकलाहट, और काफ़ी जंगल में अच्छा लग रहा है, क्योंकि पानी दोस्तों काफ़ी ज़रूरी था जंगल के लिए। आज देखिए कुछ हवाएं भी चल रही हैं ठंडी सी, और काफ़ी चिड़ियाओं की भी आप चहचहाट सुन रहे होंगे। तो चलते हैं गाइज आगे को, और दिखाते हैं आपको जंगल का माहौल कैसा है, और जंगलों को हमें सेफ रखना है, जंगलों में हमें आग नहीं लगानी है, ये याद सबको रखना है। और जंगलों में अभी रेनी सीजन आगे आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने हैं, जिससे कि हमारे जंगल और घने हों, और हमें ये जो इस समय जो जैसे कोरोना इसमें वैसे ही दोस्तों अभी गर्मी का मौसम भी सेम था ऐसे ही, तो हमें ऐसा समय ना लाने आए। तो इसके लिए हमें अभी रेनी सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, और अपने घरों में भी वृक्षारोपण करना है दोस्तों, और नीम का पेड़ ज़रूर लगाएं एक पेड़। तो चलते हैं दोस्तों अपने नियरेस्ट जंगल की ओर। और झिंगुर की नेचुरल आवाज़ दोस्तों, देखिए बरसात से देखिए पूरा जंगल का कलर देखिए आप, काफ़ी ग्रीनरी हो गई देखिए पूरी। यहाँ पर दिखे जंगली लिजर्ड दोस्तों, ये काफ़ी खतरनाक होती है जंगली लिजर्ड, काफ़ी लंबी है दिखे। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कौवे दिखिए घूम रहे हैं, और पता नहीं इनने क्या दिखा है दोस्तों, देखिए और देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे सुबह सुबह हो गए हनुमान जी के दर्शन। ये देखिए आज सोमवार का सुबह 7:15 हो रहा है, ये देखिए दर्शन भी दे रहे हैं पानी इधर, ये देखिए। और दोस्तों इनका रीजन आने का क्या है कि देखिए यहाँ पर पानी का स्रोत एक निकला है कोई पानी का, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों पानी के लिए भी काफ़ी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं वन्य जीव, देखिए पेड़ में चढ़ गया। यहाँ पर देखिए आप पानी देख रहे हैं कहाँ, ये देखिए यहाँ पर पानी है, तभी यहाँ पर देखिए काफ़ी झुंड है इनके, और यहाँ पर एक बच्चा लेके बैठी है देखिए सामने, ये देखिए। और यहाँ पर भी काफ़ी बैठे हैं देखिए, दो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये पानी के पास लगे थे अभी, ये देखिए। तो बंदर देखिए पानी के तलाश में यहाँ तक आ गए, बीन बीन के खा रहे हैं दोस्तों, देखिए ये अपनी धुन में है देखिए, और छोटे छोटे बच्चे भी इसमें काफ़ी हैं।
ये बंदर की रोटी खा रहे हैं दोस्तों, देखिए अपनी रोटी यहाँ ये जंगल में। बंदर की रोटी खा रहे हैं। Receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. यहाँ पर एक चिड़िया दोस्तों दिखी, कुछ खा रही दिखी, ये काफी सुंदर बर्ड दिखे। ये देखिए कुछ चीज भाग गई, देखिए धीरे से जा, पैदल पैदल दोस्तों। देखिए यहाँ पर रात में पिग, देखिए सूअर, यहाँ पर पानी हुआ होगा, देखिए ये काफ़ी इसने यहाँ पर उथल पुथल की है। ये देखिए पूरा यहाँ पर बैठा है ये खड्डे में पानी की वजह से। ये देखिए और काफ़ी दिनों बाद मुझे मिला किंगफिशर दोस्तों, देखिए ये बैठा है, देखिए सामने किंगफिशर। ये किंगफिशर है दोस्तों, देखिए। और दोस्तों ये काली चींटी काफी खतरनाक होती है, देखिए ये जो चल रही है देखिए जमीन पर, ये जंगली रोड पर, ये देखिए ये पूरा ग्रुप बना के चलती है, देखिए। और दोस्तों हमें इन जंगलों को काफ़ी घना बनाना है, और इन जंगलों को से हमें बहुत कुछ मिल रहा है दोस्तों। हम इन जंगलों को कुछ नहीं देते हैं, और ये जंगल हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, और हमें हमारे जो वन्य जीव इसमें इनका घर है, और बिल्कुल इन जंगलों में आग ना लगाएं। और दोस्तों देखिए आप मेरे सामने पीछे से ये जंगल पूरा जल के राख हुआ है, देखिए ये, और ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों। जंगल में आग लगाना सबसे बड़ा पाप है, और इस पाप के भागी ना बने। और ये देखिए बिल्कुल एकदम लाल ये जंगल, और ऐसा बिल्कुल ना होने दें जिससे कि जंगलों को नुकसान हो, और जंगलों में आग ना लगाएं, और जंगलों में पेड़ लगाएं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियरेस्ट जंगलों में पेड़ लगाएं, और ग्लोबल वार्मिंग ना हो। और काफ़ी गर्मी अभी भी देखिए काफ़ी उमस हो रही है दोस्तों, क्योंकि धरती से ताप बिल्कुल काफ़ी नीचे से तापमान उठ रहा है, गर्म भाप उठ रही है, और जिससे फिर ब्रह्मांड हमारा गर्म हो रहा है। तो हमें बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि जंगलों को नुकसान हो। हमें अपने घरों में भी पेड़ लगाने हैं, और जंगलों में भी हमें अपने नियरेस्ट जंगल जो जहाँ पर है वहाँ पेड़ लगाए, और वृक्षारोपण करें, काफ़ी बढ़िया तरीके से वृक्षारोपण करें, उन पेड़ों की रक्षा करें, जैसे कि आप अपने अपनों की करते हैं, वैसे इन पेड़ों की भी और इन जंगलों की भी रक्षा करें, जिससे ये जंगल आगे बचें, और आगे के समय आने वाली पीढ़ी परेशान ना हो। और दोस्तों हमें जड़ी बूटी को क्या क्या नहीं दे रहे हैं ये जंगल, और इतने आप देख रहे हैं कि इतने चिड़ियाओं की चहचहाट छिन रही है इन जंगलों से। अगर इन जंगलों में जो जल गई, वो जंगलों में बच्चे मरे, अंडे जले, और खुद भी जले, काफ़ी नुकसान होता है दोस्तों। ये जंगलों में आग बिल्कुल ना लगाएं। और यहाँ पर बैठे हैं सात भाई जो एक साथ रहते हैं, देखिए ये देखिए अटखेलियाँ कर रहे हैं यहाँ पर। और दोस्तों देखिए इन जो बेजुबान पक्षी हैं दोस्तों, उनका ये घर इनमें, इन देखिए हरे हरे घरों में इनके पेड़ हैं, पेड़ों में इनके घर हैं। इन घरों को ना उजाड़ें, और जंगल को बर्बाद बिल्कुल आग ना लगाएं जंगलों में, और पेड़ों को ना काटें दोस्तों। देखिए ये अगर ये पेड़ कट गया तो कितना नुकसान होगा, इतने जीव जंतु इसमें रह रहे हैं, इसमें प्राणी रह रहे हैं दोस्तों, इन प्राणी का पाप आप लेंगे। और जंगलों में बिल्कुल आग ना लगाएं, ये देखिए काफ़ी अटखेलियाँ, क्योंकि ये इनके घर हैं दोस्तों। देखिए ये जंगल इनके घर हैं, इन पक्षियों के घर हैं, इसमें खुश रहते हैं ये, इनको खुश ही रहने दें दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर भी एक बैठी है मैना, देखिए
ये देखिए बिल्कुल काला हुरखा है ये जंगल, जल के राख यहाँ पर देखिए, ये झाड़ी बिल्कुल ऐसा ना होने दें दोस्तों, इन जंगलों में आग ना लगाएं। और इसमें पशु पक्षी काफ़ी मारे जाते हैं, बेजुबान पशु पक्षी। और देखिए पानी की कमी की वजह से देखिए यहाँ पर ये देखिए काफ़ी जंगली जानवर भी आया है यहाँ पर देखिए, ये पानी पीने के लिए खड्डों में ये पानी रुका हुआ है दोस्तों। इन जंगली जानवरों से इनका घर बिल्कुल ना छीने और कि ये भागने में मजबूर हो जाएं, और ये जंगल इनके घर हैं ये देखिए। और बिल्कुल ये आप देख सकते हैं काफ़ी काला किया हुआ है ये जंगल, बिल्कुल यहाँ पर जल के राख हुआ है बिल्कुल। और ऐसा बिल्कुल ना करें, कसम लें संकल्प लें दोस्तों कि जंगल में आग बिल्कुल ना लगाएं, कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए ये जो जंगलों में आग लगाते हैं। क्योंकि मैंने देख लिया कि दोस्तों मैंने देख लिया इस जंगल में आग लगा है तो इसमें मैं इतने प्राणी मरे हुए देख रहा हूँ, मुर्गी और अंडे भी जले हैं, मोर के भी काफ़ी, मोर के भी और मुर्गी के भी। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा ना करें, जंगलों में आग बिल्कुल ना लगाएं, और ये सबसे बड़ा पाप है दोस्तों जंगल में आग लगाना। जलवायु ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, हमारी धरती ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जंगल ये देखिए हरा भरा पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पर कैसे जला हुआ है दोस्तों, पूरा जल के ये ऐसा हो गया देखिए, पूरी आग की लपटें इस पेड़ पर गई होगी देखिए, कैसा ये पेड़ बना दिया। इस पेड़ों पर भी आत्मा है दोस्तों, ये देखिए इन पेड़ों में भी आत्मा होती है। ये देखिए पूरा जल के नीचे से ऊपर तक पूरा ये राख हो गया है देखिए, पूरा जल गया है देखिए, क्या इसमें जितने भी प्राणी होंगे, अंडे बच्चे घर होंगे, सब जल गए होंगे दोस्तों। ऐसा बिल्कुल ना होने दें देखिए, ये बिल्कुल आप इसके पत्ते देखेंगे तो आप बिल्कुल सूखे होंगे, ये पूरा सूख चुका है ये पेड़ ये देखिए दोस्तों। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों, देखो जंगलों में इन झाड़ियों के बीच में कितने अंडे बच्चे कीट पतंग होंगे, सारे मारे गए होंगे। और ऐसा बिल्कुल, और देखिए इस पेड़ को भी आप देखिए, पूरी लपटें इसमें ऊपर तक गई होंगी, तो इसकी क्या इसकी आत्मा ने दोस्तों, पेड़ पर भी आत्माएँ होती हैं ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा जल के ये राख हुआ है देखिए, ऊपर इसमें काफ़ी घोंसले भी होंगे, बच्चे अंडे तो सब जल गए देखिए। ऐसा बिल्कुल ना करें बिल्कुल देखिए। और दोस्तों सबसे महापाप ये जंगलों में आग लगाना है दोस्तों, हजारों करोड़ों प्राणी जल जाते हैं और उनके घर उजड़ जाते हैं दोस्तों, क्या ये एक अच्छी बात है, गलत बात है? तो संकल्प लीजिए कि जंगल में आग ना लगाएं, जंगल को और घना बनाना है, आगे वृक्षारोपण हमें करना है क्योंकि आगे रेनी सीजन आ रहा है, तो बिल्कुल जंगलों में आग ना लगाएं और जंगलों में पेड़ लगाएं ज़्यादा ज़्यादा, और छायादार पेड़ लगाएं, बरगद के पेड़ लगाएं और नीम के पेड़ लगाएं, अपने घरों में नीम के पेड़ लगाएं, जिससे कि हमारी जो ये ब्रह्मांड की का जो मौसम है वो चेंज हो, थोड़ा काफ़ी गर्मी जानी रही है, बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है एक ही बरसात में। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है हमें पेड़ लगाना, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ और इस धरती को हरा भरा बनाएँ। और दोस्तों जहाँ पर ये आग लगी है यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप देख रहे होंगे एकदम काला हुआ है, और कोई इसमें झिंगुर की आवाज़ नहीं, कोई इसमें चिड़ियाओं के कोई घोंसले नहीं, कोई घर नहीं, बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल ऐसा ना हो, ना करें दोस्तों जंगलों में, इतना बड़ा अन्याय ना करें जंगलों से। और जंगल अगर दोस्तों ये उजड़ जाएंगे तो हम सब, ये धरती उजड़ जाएगी, और ये जंगलों में बिल्कुल आग ना लगाएं देखिए, बहुत गलत बात ये देखिए, ये काफ़ी जंगलों में आग लगा दे रहे हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए देखिए। और देखिए यहाँ पर मैना देखिए, और ये देखिए सामने मैना बैठी है हमारी देखिए, काफ़ी खुश है मैना क्योंकि जंगल में काफ़ी रौनक है, हरियाली है, और दिख रहे हैं आप जंगल में अभी, और जंगलों में बिल्कुल आग ना लगाएं दोस्तों ये देखिए। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।